हेलो एवरीवन, मैं गौरव मिश्रा और क्यूरलेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स की पांचवी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पहले मैंने चार वीडियो बनाए हैं और चार वीडियो आप देखिएगा, है ना। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, और अगर पढ़ी भी होंगी तो हो सकता है उसका आपको रिवाइज हो जाए, है ना। तो ये जो क्लास मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ये बहुत ही यूनिक, इसको साधारण क्लास में समझिएगा, क्योंकि इसमें मैं पहले तो खुद स्टडी करता हूँ चीज़ों की, उसको कई जगह से सर्च करता हूँ, कई वेबसाइट से देखता हूँ, यूट्यूब में भी देखता हूँ उसके बाद उसका जो निचोड़ है उसको कितना सरल ढंग से, कितने सिंप्लीफाइड ढंग से मैं चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, ये मैं प्रयास करता हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कृपया करके पूरे वीडियो देखें, तभी इस क्लास का फ़ायदा आपको मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रिलिम्स के पेपर के पहले, जो 19 जून को है, यूनिट 9 के को लगभग मैं कंप्लीट करा दूँ, मेरा प्रयास ये रहेगा। यूनिट 10 के बारे में भी सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मैं यूनिट 10 जो आयोग है उसमें भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड ढंग से ही मैंने सोचा है कि वो एक कल्पनात्मक रूप से चीज़ों को आपको मैं बताऊँगा, पर पहले मेरा टारगेट यूनिट 9 है, क्योंकि यूनिट 9 क्या टेक्निकल है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत सारी इसमें नई चीज़ें हैं तो लोगों की चीज़ समझ भी नहीं आती, और किताबों की भाषा तो आप समझते ही होंगे कि कैसी भाषा रहती है, किताबों की भाषा बिल्कुल टेक्निकल रहती है, तो उसको एकदम सिंप्लीफाई वे में समझना और फिर समझाना एक कठिन काम होता है, इसलिए मैं आपके सामने उसको सिंप्लीफाई करके लाता हूँ, सिंप्लीफाई। और मेरा विश्वास है कि जितनी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर उतनी भी आपने कर ली, उतनी भी अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उतनी भी अगर कर ली, तो ये मान के चलिए थे अगर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं, 10 प्रश्न आते हैं यूनिट 9 के, तो उसमें से 8 सवाल तो आप बेधड़ल्ले से कर सकते हैं, 8 सवाल बेधड़ल्ले से, है ना, 8 सवाल आप धड़ल्ले से कर सकते हैं 8 सवाल। लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिर्फ 4-5 ही वीडियो हैं, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 9 तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 9 की जो बची हुई कुछ चीज़ें हैं, हालांकि अभी एक दो क्लास और मैं लूँगा इस सोशल इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, ये अभी विश्व स्तर पे चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, इंडियन लेवल पे जब चलेंगी तो उसमें भी एक दो क्लास होगी, उसके बाद ये वाला जो टॉपिक होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा, और अगली क्लास में अपन कुछ नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया था सममित इंक्रिप्शन, और एक बताया था असममित इंक्रिप्शन, सिमेट्री इंक्रिप्शन और असममित इंक्रिप्शन, असिमेट्री। देखो, इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, मैंने बताया अभी था लास्ट वीडियो में, कि अगर आपने ये वर्ड लिखा हुआ है और आपने इसको चेंज कर दिया 135 में, तो ये चेंज में जो प्रोसेस होती है उसी को इंक्रिप्शन कहते हैं। सममित की जहाँ तक बात है, तो सममित का मतलब ये है कि जब आप एक कंप्यूटर या एक मोबाइल से किसी मैसेज को आप जब भेजते हैं दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर पे, तो ये मैसेज सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच ही रहता है, मतलब सेंडर ने मैसेज किया तो रिसीवर को ही मिलेगा, ये बीच में लीक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं सममित इंक्रिप्शन। और जब ये सेंडर और रिसीवर के बीच में थर्ड पार्टी या सार्वजनिक हो जाता है, ये मैसेज 135 इसने देख लिया, लेकिन ये इसको डिकोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको डिकोड करना मतलब इसका ये बना लेना, तो ये जो व्यक्ति है वो इसको तो देख लेगा 135, लेकिन ये नहीं समझ पाएगा इसमें लिखा क्या है, यही व्यक्ति समझ पाएगा, ठीक है ना। 135 आएगा, उसको फिर डिकोड किया जाएगा आई लव यू में। तो ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, फिर भी एक बार मैंने बता दिया कि सममित और असममित इंक्रिप्शन क्या होता है। चलिए, अब हम इतनी सारी देख लेते हैं चीज़ें हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है या ये जो टर्मिनोलॉजी है,
ये आपके सममित और असममित पे ही बेस्ड है। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से देखी है, लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से देखी है, तो ये जो चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं वो, एक मिनट, ये जो चीज़ें हैं वो आपके एकदम बिल्कुल, मतलब यूँ कहें कि जीरो लेवल पे समझ पे आ जाएंगे, जीरो लेवल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है AES। आपसे क्या प्रश्न बनेगा, AES का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये ध्यान रखिएगा, एडवांस इंक्रिप्शन मतलब इंक्रिप्शन तो है, एक जगह से मैसेज दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस एडवांस है, इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये जो AES है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आधुनिक एल्गोरिदम में, आधुनिक एल्गोरिदम में इसका उपयोग किया जाता है। एल्गोरिदम बता चुका हूँ, एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करना, कोई भी प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो स्टेप बाय, जैसे 1 से 10 तक मान लीजिए आपको जाना है, तो आप डायरेक्ट 1 से 5, 7, 10 में नहीं जाओगे, आप 1 जाओगे, 2 जाओगे, 3 जाओगे, 4, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो ये आधुनिक एल्गोरिदम है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखने का ये आधुनिक है, ठीक। इसमें जो बिट यूज होते हैं 128, मतलब 128 बिट यूज होते हैं इसके प्रोग्राम बनाने में, 128 मतलब समझ रहे हैं ना, 0101 के फॉर्म में इस तरह से 128 बिट होंगे, इस तरह से 128 बिट होंगे, 192 बिट भी इसमें यूज किए जाते हैं, 192 मतलब 0101 192 तक, और 256 ध्यान रखिएगा, 256, तो 128, 192 और 256 जो बिट है, तीन प्रकार के बिटों का यूज यहाँ पे AES में किया जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, 2 से 3, पहला तो ये फुल फॉर्म एडवांस इंक्रिप्शन, दूसरा ये आधुनिक है, और एक चीज़ और, इसमें जो ये बिट यूज की जाती है 128, 192, 256, ये तो याद रखना ही है, साथ में ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट और जो बड़े संगठन होते हैं, कोई भी बड़ा संगठन जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, या और भी कोई संगठन आप एग्जांपल ले सकते हो, तो गवर्नमेंट और बड़े संगठन इस इंक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, मतलब अपने डेटा को बदलते हैं कोडिंग के रूप में, तो वो जो है बदलने वाले जो संस्थान होते हैं वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट और बड़े संगठन इस इंक्रिप्शन का उपयोग करते हैं अपने डेटा को चेंज करने के लिए, ठीक है, कोडिंग में बदलने के लिए। 128 दूनी 256 होता है, और एक आपको ध्यान रखना है 192 बस, ठीक है। फिर है DES, ध्यान रखिएगा DES, DES मतलब होता है इसका फुल फॉर्म डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इतना ही ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, मतलब डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है, और कुछ खास नहीं है इसमें। फिर है ट्रिपल DES, ट्रिपल ध्यान रखिएगा, ट्रिपल DES का एडवांस वर्जन है ये, DES का एडवांस वर्जन ट्रिपल DES। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रिपल DES है, ट्रिपल डी ई एस ये एक सममित इंक्रिप्शन है। क्या है सममित ट्रिपल DES? क्या है सममित? सममित का मतलब मैं बता चुका हूँ, सममित का मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह डेटा जा रहा है तो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही वो डेटा रहेगा, इसी को बोलते हैं सममित। ध्यान रखिएगा, जो ट्रिपल DES है, ट्रिपल DES का यूज कहाँ होता है? ATM पिन बनाने में, ATM का जो पिन आपको प्राप्त होता है ना, वो इसी में होता है, किसमें? ट्रिपल DES में, ट्रिपल DES, ध्यान रखिए ट्रिपल DES में ATM का पिन यूज़ हो जाता है, मतलब जो ATM का पिन इंक्रिप्ट किया जाता है, इंक्रिप्ट मतलब समझ गए होगे आप, कोडिंग में चेंज करना, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? ट्रिपल DES के, ट्रिपल DES, ये ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ATM पिन किस प्रकार की इंक्रिप्शन में यूज़ किया जाता है, या किस प्रकार का इंक्रिप्शन ATM पिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ट्रिपल DES। ब्लोफिस पिछली बार MBPSC के पेपर में आया था, देख लीजिए उठा के ब्लोफिस क्या है। तो ब्लोफिस के बारे में सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखें, पहला तो इसमें 64 बिट यूज़ किए जाते हैं, जब इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, लिखा जाता है, तो ऐसे 0101 01 01 इस तरह से 64 बिट प्रोग्रामिंग होती है इसमें, 64 बिट की प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। और दूसरा ये सममित होता है, सममित का मतलब मैंने बता दिया, सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज, इन टू इंड इंक्रिप्शन भी आप उसको कह सकते हो, है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा लेकिन लीक नहीं होगा। टूफिस, पिछली बार पेपर में ब्लोफिस आया था, तो ब्लोफिस के बारे में ध्यान रखिएगा, ये पहली बात तो ये एडवांस DES, मतलब DES का एडवांस है ब्लोफिस, एक चीज़। दूसरा ये 64 बिट का यूज होता है। तीसरी चीज़ सममित होता है,
और चौथी चीज़ ई कॉमर्स में, जैसे आपके अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी जितनी भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, मिंत्रा हो गया, वो सब कौन से इंक्रिप्शन का यूज करती है? ब्लोफिस करती हैं, ठीक है ना। ब्लोफिस करती हैं मतलब वो सबमिट होता है, वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहता है, ठीक है। 64 बिट का यूज़ किया जाता है उसकी प्रोग्रामिंग करने, ठीक है। और ये DES का एडवांस है, तो ध्यान रखिएगा, DES हो गया, DEES है, ब्लो, ये तीनों सममित ही हैं। ये क्या है? सममित है। और टूफिस की बात हो तो ये ध्यान रखिएगा, टूफिस जो है ना वो DES का एडवांस आप कह सकते, सॉरी ये ब्लोफिस का एडवांस रूप आप इसको कह सकते हो, ब्लोफिस का। इस बार के पेपर में टूफिस पूछने के चांस है, पिछली बार ब्लोफिस आया था। तो टूफिस जो है ये भी सममित है, सममित मतलब एक जगह से सेंडर और रिसीवर से जो डेटा जाएगा वो लीक नहीं होगा। फिर दूसरा, इसमें 128 बिट का उपयोग किया जाता है। ब्लोफिस का थोड़ा सा ये एडवांस है, तो यहाँ 64 है, 64 दूनी क्या होता है, 128 होता है, तो 128 बिट का यूज किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो डेटा है ना वो 16 राउंड में तोड़े जाते हैं या ब्लॉक बनाए जाते हैं। 16 राउंड मतलब 01 01 01, ऐसे एक राउंड बना लिया होगा, फिर 01 01, फिर दो राउंड, फिर 01 01, फिर तीन राउंड, ऐसे 16 राउंड बनाए जाते हैं। किसमें? टूफिस में तीन चीज़ें याद रखनी है, पहला सममित है, दूसरा 128 बिट है, क्योंकि ये ब्लोफिस का एडवांस है तो 64 एडवांस है, तो इसमें 64 था तो दूना हो गया 128। सममित है चूँकि एडवांस है तो बेसिक जो मूलभूत चीज़ है वो तो वही रहेगी, ये भी सममित है, ये भी सममित है, बस इसमें डेटा को 16 राउंड में इसके ब्लॉक बनाए जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक होता है RSA, RSA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रिवेस्ट, ध्यान रखिएगा, रिवेस्ट समीर एडलमैन, ठीक है ना। तो रिवेस्ट समीर एडलमैन इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक असममित ही है, अभी तक जितने भी आपने देखा वो सारे के सारे क्या थे, DES भी सममित है, DEES भी सममित है, ब्लोफिस भी सममित है, टूफिस भी सममित है। तो DES, DEES, ब्लोफिस, ये तीनों सममित है, टूफिस भी सममित है, क्योंकि ये एक दूसरे से ही एडवांस रूप है। इसे DES का एडवांस DEES है, इसका एडवांस ये है, या इसका एडवांस ये है, ये समझ सकते हो, और इसका एडवांस ये है, तो ये सब एक दूसरे के एडवांस है, इसलिए सममित है सब। RSA थोड़ा सा नया है तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये असममिति है, मतलब असिमेट्री इंक्रिप्शन है, असममित है मतलब असिमेट्री है। और ये क्या करता है, दो बड़ी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में ये ब्लॉक बनाता है। दो बड़ी अभाज्य संख्याएं, पहले अपन छोटी अभाज्य संख्या देख लेते हैं, जैसे 2 अभाज्य संख्या और 3 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पता होगा आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो 2 जो है पहली अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या जो स्वयं से कटे, दूसरे से ना कटे, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। और उनके 2 गुणनखंड शायद होते हैं, 2 गुणनखंड, ठीक है। तो 2 × 1 और 3 × 1, इस तरह से ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, किसमें? RSA की, क्लियर है। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई, AES, DES, DEES, ब्लोफिस, टूफिस। ब्लोफिस पे ध्यान रखना, ये सममित है, टूफिस भी सममित है, DEES भी सममित है, DES भी सममित है। AES के बारे में इसमें नहीं लिखा है कि सममित है कि असममित है, तो बस इतना ध्यान रखना कि AES जो है तो गवर्नमेंट और बड़े संगठनों के द्वारा यूज किया जाता है, आधुनिक एल्गोरिदम है, 128 दूनी 256 और 192 इसमें बिट, तीन प्रकार के बिट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और RSA जो होता है वो आपका क्या होता है, RSA ध्यान रखिएगा ये असममित होता है। अब इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो IETF है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स 1946 में संस्था बनी थी, विश्व स्तर में 1946 में एक इंटरनेट के लिए एक संस्था बन रही थी जिसका नाम था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। आपसे यही पूछा जाएगा, या तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या तो आपको यहाँ से इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब बना, तो सन पूछा जा सकता है, 1986।
याद कैसे रहेगा? तो याद ऐसे रहेगा कि भारत के संदर्भ में 1986 में पंचायती राज के संदर्भ में एक समिति बनाई गई थी, एलएम सिंघवी समिति, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की शायद बात कही थी, पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन पंचायती राज संबंधित ये समिति 1986 में बनाई गई थी, एलएम सिंघवी। तो जब भारत में पंचायती राज की बात चल रही थी काफ़ी जोरों शोर से, उसमें विश्व स्तर पे अपन देखें तो IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया था। मतलब इंटरनेट से संबंधित बहुत सारी जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनके लिए ये संस्था बनाई गई थी। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1992 में दो संस्थाएं बनी, 1992 में दो संस्थाएं बनी, 1992 में दो संस्थाएं। उन दोनों संस्थाओं का नाम क्या है? पहला है ISOC, इंटरनेट सोसाइटी। यह है इंटरनेट और यह है सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी। क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि इंटरनेट सोसाइटी का गठन कब किया गया? 1992। IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ठीक है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इसकी भी स्थापना 1992 में हुई। तो दो संस्थाएँ 1992 में बनी, IOC और IAB। ध्यान रखिएगा जो IETF है ना, IETF वो इसके अंडर में काम करता है, IAB के अंडर में काम करता है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है उसके अंडर में काम करता है। सवाल ये उठता है कि IOC और IAB क्या करते हैं? IOC इंटरनेट सोसाइटी जो है वो विश्व स्तर पर, चूंकि है क्या कि इंटरनेट कोई बच्चों का खेल तो है चलाना, इंटरनेट चलाने के लिए, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, उसके मानक तय करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड तय करने के लिए एक विश्व स्तर की कोई बड़े बड़ी एक नहीं कई संस्थाओं की ज़रूरत होती है, कई संगठनों की ज़रूरत होती है। तो कई संगठनों के लिए उनको इकट्ठा एक मंच पे लाने के लिए इंटरनेट सोसाइटी का गठन किया गया। कई संस्था एक मंच पे आए और मंच पे आने के बाद क्या करें कि वो सब मिलकर इंटरनेट के मानक तय करें कि इंटरनेट को कैसे चलाया जाना चाहिए, उसका नेटवर्किंग कैसी होनी चाहिए, उसके IP एड्रेस, ये वो दुनियादारी, दुनिया भर की चीज़ें इंटरनेट से संबंधित जो भी होगी तो वो इंटरनेट सोसाइटी देखेगी, और उसका गठन 1992 में हुआ। लेकिन इंटरनेट सोसाइटी को टेक्निकल मदद देने के लिए या इंजीनियरिंग की मदद देने के लिए एक नई संस्था बनाई गई उसी समय, इसको मदद देने के लिए, ध्यान रखिएगा, इसको मदद देने के लिए, इंटरनेट सोसाइटी को मदद देने के लिए ये संस्था बनाई गई, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड ये टेक्निकल और इंजीनियरिंग सहायता किसको देती है? ये जो है तो सहायता देती है IOC, इंटरनेट सोसाइटी को, ताकि ये अपना कार्य सही ढंग से कर सके। चूँकि ये काम, ये जो काम कर रही थी उसमें टेक्निकल और इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये संस्था करती थी। IETF को भी इसी संस्था के अंदर ला दिया गया, जबकि IETF पहले बना है और ये बाद में बना है, फिर भी ये संस्था इसके अंडर में काम करती है, क्लियर है। फिर एक संस्था ध्यान रखिएगा, W3C का मतलब होता है 3 बार W और 1 C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये संस्था इनके 2 साल बाद 1994 में बनी। WWW जो संस्था है वो ध्यान रखिएगा, टिम बर्नर्स ली ने इसे बनाया था, WWW को, वर्ल्ड वाइड वेब जो सूचनाओं का एक बहुत बड़ा क्या होता है, नेटवर्क कह सकते हैं या संग्रह कह सकते हैं, WWW के अंदर ही बहुत सारे वेब पेज होते हैं, सूचनाओं का संग्रह कह सकते हैं। तो इस WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली से 1989 में इसको किया था। उसके बाद ये WWW कंसोर्टियम बना दिया गया 1994 में, ठीक है। तो ये किसने बनाया? जिसने WWW बनाया होगा, अर्थात टिम बर्नर्स-ली ने ये संस्था बनाई W3C। इसका काम भी यही था कि जो WWW है उसका संचालन कैसे किया जाए, उसके लिए मानक वगैरह, उसके लिए स्टैंडर्ड कैसे तय किए जाए, इसको कैसे चलाया जाए, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, 1994। प्रश्न बन सकता है कब बना 1994, किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। क्यों बनाया? WWW के मानक या स्टैंडर्ड को निर्धारित करने के लिए। इसके 4 साल बाद, अच्छा इसको याद कैसे रहेंगे IOC और IAB 1992 में? तो अगर 1992 में भारत के संदर्भ में देखें तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी,
और भारत आर्थिक रूप से काफ़ी विपरीत परिस्थितियां भारत के अंदर निर्मित हो गई थी। आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया था भारत, और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में आई थी, जिसके अंतर्गत LPG की अवधारणा आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय भारत में ये सब चल रहा था, आर्थिक स्थिति भारत की चरमरा गई थी और विश्व स्तर में इंटरनेट सोसाइटी और इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड का गठन हो रहा था। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हो चीज़ों को, भारत में चल रहा था, विश्व में चल रहा था, याद रखने के लिए। 1994 की कोई घटना मेरे को विशेष याद नहीं है, तो आप इसको बस ऐसे ही याद करना। फिर उसके बाद 1998 में, ध्यान रखिएगा, 1998 में ये दोनों संस्थाएं बनी। 1998 में कौन सी संस्था? ICANN और डोमेन नेम रजिस्ट्रार, ये 1998 में बनी। अटल बिहारी की सरकार जब इंडिया में बन रही थी 1998 में, है ना, अटल बिहारी की गवर्नमेंट थी उस समय 1998 में, तो ध्यान रखिएगा अटल बिहारी गवर्नमेंट के टाइम पे विश्व स्तर में ICANN और डोमेन नेम रजिस्ट्रार। ICANN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर्स। मतलब किसी भी कंप्यूटर को नेम देना है और उसका नंबर देना है, नेम नंबर का मतलब IP एड्रेस, किसी भी कंप्यूटर को IP एड्रेस देना है, किसी भी कंप्यूटर को। ये बहुत सारे कंप्यूटर को हम कैसे पहचानते हैं, कंप्यूटर को हम कैसे पहचानते हैं? एड्रेस से। कौन से एड्रेस? IP एड्रेस। 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। तो ये IP एड्रेस देने का काम और डोमेन नेम देने का काम ICANN करता है, ध्यान रखिएगा। ICANN मैं कर सकता हूँ क्या? नंबर और नेम और नंबर कर सकता हूँ या दे सकता हूँ किसको? कंप्यूटरों, ऐसे समझ सकते हैं 1998। तो ये IP एड्रेस वगैरह देने का काम ये करता था ICANN। लेकिन इसके सहायता के लिए एक और पद बनाया गया, डोमेन नेम रजिस्ट्रार। ये डोमेन नेम भी देता था, लेकिन डोमेन नेम के लिए स्पेशली एक इन्होंने एक पोस्ट बनाई, डोमेन नेम रजिस्ट्रार एक पोस्ट बनाई। तो ध्यान रखिएगा कि ICANN जो है, ICANN 1998 में बना था और इसके हेल्प के लिए डोमेन नेम रजिस्ट्रार बनाया गया। क्यों? क्योंकि भाई इसका काम बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत बृहद हो गया था। सभी कंप्यूटरों को दुनिया भर के IP एड्रेस देना, ये करना, वो करना, मानक निर्धारित करना, है ना। तो इसने सोचा कि यार थोड़ा सा काम का, और डोमेन नेम का काम भी यही करता था, तो इसने सोचा थोड़ा सा काम को हल्का करने के लिए, काम के भार को कम करने के लिए एक नया पद बना देते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रार का, जो कि वो यही सिर्फ काम करेगा, डोमेन नेम देगा, प्रोवाइड करेगा। जैसे डोमेन नेम, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा डोमेन नेम है gaurav.mishra1491@gmail.com। तो मान लीजिए ये मेरा डोमेन नेम है, तो मुझे डोमेन नेम किसने दिया होगा, किसने प्रोवाइड किया होगा? इसी संस्था ने, डोमेन नेम रजिस्ट्रार ने, जिसका गठन 1998 में ICANN के साथ हुआ था। ICANN हुआ, फिर ICANN ने अपनी हेल्प के लिए ये संस्था को 1998 में बनाया था, ठीक है। अब ये जो डोमेन नेम रजिस्ट्रार